नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लाभ और हानि के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने दोस्तों पार्ट 1 में लाभ और हानि के बेसिक चीजों के बारे में चर्चा की है दोस्तों, और 2 में हम कुछ ऐसे ट्रिकों के बारे में बताया दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, जाके प्लीज देखें। तो आज हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो अभी तक इस ट्रिक के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और आपसे निवेदन है दोस्तों, जो लोग अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जाना आपको समझ में आए कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन बता रहे हैं जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 36 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है लाभ और हानि के बारे में दोस्तों। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 36 संतरे, एक दुकानदार है जो 36 संतरे को बेचने पर उसे 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि बताइए दोस्तों। तो कितना है प्रतिशत हानि दोस्तों? तो सिंपल से इस दोस्तों में इन क्वेश्चनों में क्या जाता है दोस्तों, देखिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों, अगर हानि आए तो हम जो हमारा ओरिजिनल रहता है रेट, उसमें जितने प्रतिशत की हानि होती है, जितने प्रतिशत की हानि हो दोस्तों, हानि होती है उसे जोड़ते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहे थे। अगर हानि तो है दोस्तों, अगर जितने प्रतिशत की हानि होती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं उसे जोड़ देते हैं, मतलब किसमें जोड़ते हैं, जो हमारा जितना संतरा रहता है, जितनी वस्तु रहती है उसी में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर 4 संतरे के, जैसे कहा ना, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो जो 4 ये संतरा है, अगर हानि है तो जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं, अगर लाभ है तो घटाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, और ये ट्रिक अभी तक कोई बताया नहीं हुआ है दोस्तों। क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपको, देखिए इसमें करना क्या है, 36 है प्लस 4 करना है दोस्तों, तो 40 हो गया दोस्तों। तो 4% की हानि हो रही दोस्तों, कितने प्रतिशत की हानि हो रही, 4% की हानि हो रही दोस्तों। तो 4/2 क्या करेंगे, 40, मतलब कितने प्रतिशत की हानि हो रही दोस्तों, तो हमने बताया 4% की हानि हो रही, तो 4 × 100 करेंगे दोस्तों, तो 4 हमें और 1 0 से 1 0, 10% की क्या हो रही दोस्तों, हानि हो रही। सिंपल सा क्वेश्चन, और बहुत लोग सोचेंगे दोस्तों कि 4% की हानि हो रही है तो 4×9=36, तो ये कभी बनेगा ही नहीं, हमेशा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। तो हम चेंज करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें ट्रिक यही है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, एक लाभ वाला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए देखिए, संतरे को ही ले लेते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, 100 पेंसिल को बेचने पर 20 पेंसिल के
पेंशन के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, तो उसकी प्रतिशत लाभ बताइए दोस्तों। तो देखिए ये दोस्तों ये पूछा गया प्रतिशत लाभ बताइए दोस्तों, ये एग्जाम में एसएससी में और रेलवे में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ये तो एसएससी में आपका पूछा गया दोस्तों और रेलवे में भी आ चुका है दोस्तों। तो ये कैसे किया जाएगा, हमने अभी बताया अगर हानि होती है दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको घटा देंगे, और जो ये हमारा जितना हानि होता है दोस्तों ये हमेशा ऊपर रहेगा, और अगर लाभ होता है दोस्तों या तो सिंपल से करेंगे दोस्तों घटा देंगे, और अगर लाभ होता है दोस्तों घटा देंगे और हानि होती है तो दोस्तों जोड़ देते हैं, सिंपल से यही है ट्रिक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों लाभ है, तो सौ में से क्या जो घटाने जो आएगा दोस्तों वही रहेगा, तो 20 तो हमारा ही वही रहेगा दोस्तों 20, और अगर 100 में से 20 को घटाएंगे दोस्तों तो 80 × 100 तो ये हो गया दोस्तों, ये इससे क्या 2 × 4 = 8 × 4 = 25 100, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों 25% का लाभ हुआ। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, देखिए ये 20 हमको कुछ करना नहीं, 20 को 20 ही रहने देना क्योंकि जितने प्रतिशत के लाभ हो रहा है वो हमेशा, बटे क्या करना है 100 में से 20 को घटाना, जो वस्तु रहेगी तो 80 आएगा दोस्तों × 100 क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो 20 × 4 = 100 और 20 × 25 = 25, तो 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा दोस्तों। यही इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक और है, देखिए यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करके जरूर बताइए और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने में। देखिए अब इसी पे एक क्वेश्चन इसी के तरह दिया है, आप देखेंगे दोस्तों अगर मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों तो आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, जैसे दे दिया 250 केले को बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है दोस्तों, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरह लाभ है तो घटाना है, हानि है तो जोड़ना है दोस्तों। तो लाभ है तो हमारा सबसे पहले सिस्टम है 50 को तो हम 50 करेंगे दोस्तों, तो लाभ हुआ तो इसी में से घटाना है दोस्तों, हमेशा इसको इसमें से ही घटाना है दोस्तों, जो वस्तु दिया रहेगा उसी में से घटाना और कहीं से नहीं घटाना, तो आ जाएगा 200 दोस्तों × 100, तो 50 × 100 = 200 और हो जाएगा 25, तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों 25%। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए हमने सोचा कि बता दें, और बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताया विदाउट ट्रिक दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे इतना ध्यान में रखिएगा, अगर लाभ हो रहे हैं दोस्तों घटाना है और हानि हो रही तो जोड़ना है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं और बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखेंगे, एक दुकानदार एक टूटी युक्त तराजू से किसी वस्तु को खरीदने पर 10% का घोटाला करता है और बेचने पर भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए दोस्तों। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है रेलवे और एसएससी में,
तो ये बहुत ही सिंपल कर है। एक दुकानदार देखते हो, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, जब वो तौलते हैं, मतलब एक टूटी हुई तराजू से किसी वस्तु को खरीदने पर, टूटी हुई तराजू जब कोई वस्तु खरीदता तो 10% तो घोटाला करता है, मतलब उसको खरीदने वक्त, मतलब 100 1 केजी का कोई वस्तु है तो उसको जब तौलेगा तो 900 ग्राम ही बताएगा, कहेगा 900 ग्राम है, तो उसको घोटाला करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने मोहल्ले में जो कबाड़ी वाड़ी वाले होते हैं वो हमेशा घोटाला करते हैं, अगर 10 केजी का सामान है तो वो बताएंगे 10% उनका 9 ही केजी बताएंगे कि 9 केजी है, तो वो ऐसा घोटाला करते हैं क्योंकि भाई उनको रेट देना रहता है। मार्केट में आपका अगर 40 रुपए का कोई भी लोहा वो बिक रहा है तो सोचेंगे भाई अगर हम 40 रुपए में खरीदेंगे तभी सब बेचेंगे, तो वो क्या करते हैं तौलने में कमी करते हैं, तो वो कह रहा 10% का घोटाला कर रहा। फिर जब वो बेचते हैं, कह रहा जब किसी वस्तु को बेच रहा, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा तब भी 10% का घोटाला, मतलब कि 1 केजी का जहां वो 900 ग्राम दे रहा है तो उसका कितना प्रतिशत का लाभ हो, खरीदने पे भी 10% और बेचने पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे आप करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये दोनों चीज सेम रहेंगे, ये दोनों चीज क्या रहेंगे सेम रहेंगे, जिसे आप आसानी से देखिए, जब 10% का घोटाला करता है तो कहां पहुंचेगा 110 पे, भाई 10% का लाभ कमाया, वो देखेंगे 10% का लाभ कमाया, सिंपल सा 110। हमेशा आपको क्या करना है 110 का वर्ग करना है माइनस 100 का वर्ग करके बटे 100 करना है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वो, जैसे कि 10% का लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो 10% का 100 पे 10% का लाभ कमाएगा दोस्तों, कहां पहुंचेगा 110% पे, कि 10% का घोटाला करना है मतलब 10% का लाभ कमा रहा है तो 110 पे पहुंच जाएगा दोस्तों। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, तो जो पहुंचेगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम करना क्या है, यही सबसे अच्छा ट्रिक है दोस्तों, कि आपको 110, भाई 100 अगर लाभ कमा रहा है तो 110 पहुंचेगा, तो 110 का वर्ग, भाई इसमें भी वो कर रहा है तो इसमें भी कर रहा है, माइनस 100 का वर्ग बटे 100 कर दो, आराम से इसका क्या आएगा तो 121 यही आएगा, माइनस बटे 100 दोस्तों। तो ये आप घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका, जब वर्क करते हैं 21 मतलब कि आपका आएगा इतना आ जाएगा, तो घटाएंगे 121 आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों 121 आएगा आराम से, और आप क्या कर सकते हैं बटे 100। फिर प्रतिशत में बदलने के लिए भी हम क्या करते हैं 100 से गुणा करके और 121 जो आया उसमें माइनस 100 करोगे तो 21% आएगा दोस्तों। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसी को हम थोड़ा शॉर्ट करके देते हैं, आपको शॉर्ट कैसे करना है दोस्तों, सिंपल सा अगर 10% का लाभ हुआ है दोस्तों तो आपको अब करना क्या है, ये तो लॉन्ग मेथड है थोड़ा, अब इसको 100 आपको सीधे 110 का वर्ग करना है दोस्तों बटे 100 करके, बटे क्या करेंगे 100 करके माइनस 100 करना है दोस्तों, सिंपल सा है 121 आएगा दोस्तों, 00 बटे 100, 00 कैंसिल माइनस 100 करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 21%। तो ये शॉर्टकट मेथड आप एकदम सिंपल से कर सकते हैं, और लॉन्ग में करेंगे दोस्तों तो लॉन्ग में, तो जो आपको समझ में आया दोस्तों ये दोनों नोट कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा क्या रहेंगे, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये आपका 20 हो गया, तो दोस्तों जब 20 पहुंचेगा तो 120 बटे 100 का स्क्वायर करोगे माइनस 100, हमेशा 100 करना है दोस्तों, तो 144 होगा दोस्तों, 00 बटे 100, 100 से 100 का कैंसिल माइनस 100, तो आएगा 44% का क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत ही उम्दा ट्रिक है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और ज्यादा समय नहीं रहता दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में सोचना, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो कैलकुलेशन भी तेजी करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते रहिए दोस्तों और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर
उसे 10% छूट देकर विक्रय करता है तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, कोई एक दुकानदार है जो अपने अंकित मूल्य पे क्या करता है 20% बढ़ाकर रेट लिखा रहता है और फिर क्या करता है जब कोई व्यक्ति आता है उसे लेने तो 10% का छूट देकर उस वस्तु को दे देता है, तो बताइए उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों जो दुकान पे अक्सर होता है, तो इस टाइप क्वेश्चन और ये पूछा गया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बताया जाए, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी रेलवे में पूछे गए, एसएससी रेलवे बहुत जो भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन अभी तक हमने देखा किसी ने बताया नहीं, किसी भी अगर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन नहीं बताए गए दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और जो लोग नए हैं दोस्तों उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे जितना से जितना हो सके दोस्तों शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, आप देखिए 20% बढ़ा देगा तो वस्तु को दोस्तों कहां पहुंचेगा, 100 से 120 पर पहुंचेगा दोस्तों, और 10% छूट दे रहा है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा 90 पे जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए दो शर्त है, अभी तो हमको प्रतिशत लाभ हो रहा है, इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे किया जाता है तो अभी हम बाद में दूसरे क्वेश्चन में दिखाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो, तो 120 × 90/100 -100 करना रहेगा, जैसे उसमें हमने 100 का माइनस किया इसी तरह इसमें, तो काटेंगे दोस्तों तो 12 × 9 = 108 -100 = 8%। तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों 8%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमने 100 से लाभ कितना हुई 120 और हानि कितनी हुई 10, मतलब 10% का छूट दीजिए तो 90 पहुंच जाएगा दोस्तों। तो 120 × 90 / 500 करके हमेशा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों लाभ को हमेशा मल्टीप्लाई करना है, लाभ को हमेशा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 90 से यही करेंगे आप ठीक रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया, यही क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों कैसे एग्जाम में पूछा गया है, एक दुकानदार चेंज है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देकर छूट देता है तो बताइए दुकानदार को 8% लाभ कमाने के लिए वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। कोई वस्तु है दोस्तों वो दुकानदार क्या करता है उस पर 10% छूट कर देता है तो छूट देता है, लेकिन दुकानदार को 8% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना, मतलब उसका रेट कितना बढ़ाना होगा दोस्तों। तो सेम वही क्वेश्चन, अब देखिए अगर हम 10% 100 है छूट मतलब 90, जो 100 रुपए का सामान रहेगा उसे 90 मिलेगा दोस्तों, अब उसे 8% का लाभ चाहिए दोस्तों, तो 8% का लाभ चाहिए तो 100 से कितना जाएगा 108 होगा दोस्तों, यही है। तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है यही जो 90 वाला था 108 × 100/90 करना है दोस्तों। इसमें जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन निकालना रहेगा दोस्तों, देखिए ये हमारा लाभ वाला चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, हमने कहा था ना लाभ नहीं चेंज होगा दोस्तों और ये दोनों चेंज होते रहेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल और अगर 9 से काटेंगे दोस्तों कितना होगा, और माइनस दोस्तों कितना करना है 100, तो कितना हो जाएगा
नौ इक्यानम नौ और नौ दूनी अठारह, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दस से गुणा करेंगे दस माइनस सौ करेंगे तो 20% का लाभ रखना पड़ेगा। तो वस्तु पर हमसे पहले क्या करना पड़ेगा, 20% का लाभ करना पड़ेगा दोस्तों, तब ये आएगा। तो सेम क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा चेंज करना था, उसमें हमको क्या करना था, 20% हमने पहले बढ़ा दिया था दोस्तों, इसमें हमने क्या किया 8% लाभ कमा रहा, तो कितने परसेंट, यही दोस्तों क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है दोस्तों एसएससी में 2007-8-9 में पूछा गया है दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजों के साथ प्रस्तुत होंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।